who are in Australia and India, good afternoon or good morning. कैसे हैं आप? आज हमने कुछ different try करने का सोचा था, तो मैं और सूरज ऐसे ही हम grocery store गए, तो हमें लगा कि यार why not to try different international foods or snacks. So we thought that Australia is the best because we stay here. Started Australia. Before I start the vlog, I'll just call Suraj. Suraj, where are you, यार? We start the recording का. Always late. Oh, what's up? जैसे कि शामी ने बताया कि हम आज ऐसी कोई स्नैक्स ट्राई करने की सोच रहे थे, कोई डिफरेंट कंट्री की कहीं की, तो हमने सोचा कि ये ऑस्ट्रेलिया के स्नैक्स सबसे इजीली अवेलेबल है, तो इसी से ट्राई करते हैं। आप लोगों के लिए नई चीज है, सो वी वुड लाइक टू शेयर विद यू कि टेस्ट कैसा है, और द गुड थिंग इज कि वी आर आल्सो ट्राइंग दीस थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम बिकॉज़ दिस इज नॉट समथिंग यूजुअल दैट वी ईट। इसमें से कुछ चीजें हमने ट्राई की है, बट उसके कोई और फ्लेवर्स हमने ट्राई किए, सो ये सब हमारे लिए भी ऑन अ होल काफी न्यू है। सो लेट्स बिगिन। लेट्स बिगिन। सो यू वांट योर कॉफी विद इट? आई वांट माय कॉफी, बट आई एम हैविंग माय कॉफी। सो लेट्स ट्राई विद द Tim Tam. सबसे ज्यादा जो फेमस चीज है ऑस्ट्रेलिया में, जो स्वीट है, जो स्नैक है, वो Tim Tam है। और इसका कौन सा फ्लेवर ही है? दिस इज योर व्हाइट चॉकलेट, डिफरेंट फ्लेवर व्हाइट चॉकलेट। सो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, Tim Tam व्हाइट चॉकलेट। तो लेट्स ट्राई दिस व्हाइट Tim Tam। I've tried the brown ones. Brown ones are really good. I haven't tried white chocolate. It was always in my mind, but I didn't get it because. मीठे का शौक इसको है. So we'll just try. Sweet tooth मुझे, so that's why मैंने सबसे पहले ये choose किया. I think I'll have it with my black coffee. I'm really excited. Yeah, I'll just take one. वेरी गुड। इसका टेस्ट थोड़ा सा मिलता है मुझे, मिल्की बार आती थी ना नेस्ले की इंडिया में, व्हाइट मिल्की बार, चॉकलेट मिल्की बार, एग्जैक्टली वैसा है। थोड़ा सा वेफर है इसमें, बेसिकली ये बिस्किट्स हैं फिल्ड विद व्हाइट चॉकलेट, तो ये आपको एक्चुअली फ्लेवर देंगे थोड़ा थोड़ा, जो आप नॉर्मल व्हाइट चॉकलेट खाते हैं उसका। वेरी गुड, आई एम गोना फिल इट होल बिकॉज़ आई डोंट हैव स्वीट टूथ, आई विल जस्ट पुट इट बैक। आपके कोई भी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कोई भी ऑस्ट्रेलिया में रहते हो एंड इफ दे आर ट्रैवलिंग टू इंडिया, आई वुड सजेस्ट कि आपने Tim Tam लाने जरूर बोली। वन पैकेट ऑफ Tim Tam, या डिफरेंट फ्लेवर्स। आई वांट टू ट्राई समथिंग स्पाइसी और सम सेवरी नाउ। Let's try this savory item. It is Doritos. I think Doritos काफी लोगों ने सुना होगा, but it's a garlic bread flavor जो कि हमने कभी ट्राई नहीं किया। Let me tell you guys. पहले आप देख लो ये। हाँ। तो डोरिटोस के दो टाइप के स्नैक्स आते हैं। पहले आते हैं नाचोस, जो हमने इंडिया में बहुत खाया हुआ है और वर्ल्ड ओवर नाचोस बहुत फेमस है, बट ये है समथिंग लाइक, पिक्चर से लगता है थोड़ा क्रैक जैक बिस्किट टाइप, बट लेट मी जस्ट ट्राई नाउ। या विल ट्राई क्रैक जैक बट गार्लिक ब्रेड, सो लेट्स ट्राई। आई एम अ फेवरेट पर्सन, मुझे चटपटा बहुत पसंद है, उसको मीठा। सो दैट्स फॉर यू। थैंक यू। नाचो शेप बट डजंट लुक लाइक नाचोस एट ऑल। चीयर्स। It's good, काफी गार्लिक ब्रेड का ही टेस्ट आ रहा है, ऐसे लग रहा है हम गार्लिक ब्रेड खा रहे हैं, फॉर्म ऑफ अ चिप। एक्चुअली जो थिकनेस है वो चिप्स जैसी नहीं है, ऐसे लग रहा है गार्लिक ब्रेड को एकदम फ्लैट कर दिया हो रोलर लगा के, बट आई थिंक इट्स समथिंग रियली नाइस टू हैव विद गुड चीज या उसके लाइक चीज या कॉफी और थिंग्स लाइक दैट। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी रियली नाइस, नाइस इवनिंग स्नैक। आई लाइक इट, माय फेवरेट। आई थिंक जिन्हें चिप्स का शौक है एज वेल एज बिस्किट्स का शौक है, उनके लिए ही लव्स इट सो मच, ही इज गोना स्टॉप इट। व्हाट्स नेक्स्ट? नेक्स्ट इज आई थिंक वी शुड Try Vegemite with chips. That's going to be the best combination. Let's try Vegemite. ये जो ब्रेकफास्ट होता है सुबह उनके लिए है, जैसे हम पीनट बटर खाते हैं या नॉर्मल बटर खाते हैं या जैम खाते हैं, तो ऑस्ट्रेलियंस दे रियली रियली लाइक Vegemite। यहाँ का ये सबसे ज्यादा फेवरेट और आई थिंक स्टेपल ब्रेकफास्ट है फॉर मेनी ऑस्ट्रेलियंस। इट लुक्स लाइक दिस। आई एम वेरी नर्वस। दैट्स इट, Vegemite। I will. So let's try this. Guys, I've heard that Vegemite is very healthy because it's full of vitamin B's, 1, 2, 3. It is full of vitamin B. It's like a spread, jam ki tarah hai. Ab taste jam ki tarah hai ya nahi? Ye main first time try kar rahi hu. We have been in Australia for like what, 8 years now? 2012. So we have been here since 8 years and we've never tried Vegemite because we've heard that. I'm a big fan of peanut butter. Yeah, and I love jam. I don't like something different. So let's just try. I don't think so, ये इतना स्वीट है। Usually लोग इसको ब्रेड पे लगा के खाते हैं या किसी चीज से। I think इसे हम this is the only Doritos के साथ ट्राई करते हैं। Yeah, I just want to touch it and see it. I think you should try. Yeah, that's too less. I can't try more because it's got a little weird smell.
आई थिंक जस्टिस नहीं होगा अगर हम वेजीमाइट को स्पून से ना ट्राई करें. दिस इज माय रिएक्शन. आई लाइक इट. I'll tell you the flavors it has. It's like pungent iron taste. Too salty. But later on, iska jo end flavor hai, it's like chicken salami. Something like that. I think have this water. You wanna have water? I don't know. ye agar kisi ko pasand hai ya nahi, but mujhe ye bilkul pasand nahi hai. And this is Australia's most popular breakfast spread that you'll find. People having it like crazy. End taste bhi nahi achha laga. No. Start to end, mujhe ye bilkul nahi achha laga. Itna zyada salty hai aur bahut hi zyada kadwa hai. Sir ghum gaya hai. But I didn't find it like too bad. It is bad for me. Bardasht main kar sakti. ब्रेड में एक्चुअली कुछ नहीं है. इट्स जस्ट मे बी अगर आप इसे ब्रेड पे लगाएं तो शायद ये ज्यादा अच्छा टेस्ट करे. आई थिंक सो. मैंने ऐसी खा लिया इसे एंड मैं भी पछता रहा हूँ. ओके सो नाउ लेट्स ट्राई कुछ सॉर स्ट्रक. एग्जैक्टली कुछ खट्टा मीठा हो जाए. दिस इज इट्स अ कैंडी जो ऑस्ट्रेलिया में बहुत फेमस है. थोड़ी सार है तो लेट्स सी. इट लुक्स लाइक This. I like chatpat, so I would want to have this chatpat. I think ye bahut tasty hoga. I can't wait to have it. You like it? I love it. Let me tell you. It's really, really good. How it is? Anything close to what we have in India? Kuch hamari aam panna ki toffees aati hain India mein. Thoda us type ka khatta flavor hai. But the sugar in it, it's a tangy sugar. It's not namak. It is not salt. So I like it. Khatti mitti goliyan hoti thi India mein. Patafat. No, patafat. Something like that. But I think I love it. The blackcurrant flavor is super well. But not very sour, but yeah, it's sour. Not very sour, but it's not bad. I mean, kids in Australia, they love it. So let's have some energy back and have some iced coffee. Mixture ne band baja di hai pet mein. But because of the testing, let's just try it. This is a coffee, a mixture, jo ready-made coffee hai, jo aapko koi bhi grocery store mein milti hai. And jo hum regular coffee peete hai, espresso, ye wahi hai. ब्रांड है डेयर और बहुत ही फेमस है. जब मैं यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आया था एवरी डे इन द मॉर्निंग मैं ये एक जरूर पीता था. या आई थिंक इट्स अ गो टू ड्रिंक फॉर एवरीबॉडी. जो ग्रोसरी स्टोर्स में भी मिलती है ये 7-Eleven में भी मिलती है. आई थिंक इट्स प्रीटी गुड. आई थिंक डबल एक्सप्रेसो मीन्स डबल स्ट्रेंथ. सो जस्ट इट्स गुड. इट्स नॉट टू स्वीट जो की मुझे पसंद है. Yeah, it's nice. Really, really I like nice. It. It's like yeah. typical Indian cold coffee jo mummies ghar pe banati hain. Faint ke exactly waisi. Amazing actually. I don't know iske agar tetra packs aate hain. Agar again jaise Suraj ne bolta ki koi aapka relative agar aa raha ho India to agar uske tetra packets hai jo long shelf wale hote hain agar wo aa sakte hain so you should try this. I love it. I think yeah, let's just try shapes. Ye bhi bahut zyada famous savory item hai. It is something close to what we already have. Yeah. Like you only Doritos. Doritos kind. But then you'll find this everywhere. It's very popular. ये बहुत ज़्यादा popular snack है. और यहाँ पे मैंने note किया Australians 90% chips से ज़्यादा ऐसी चीज़ें पसंद करते हैं. Because I think ये filling है या they are more savory person या क्या है I have no idea. But I think such kind of snacks are very popular. Like हम इंडिया में जाएंगे ग्रोसरी स्टोर्स में चिप्स 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 यहाँ पे इस टाइप की चीजें बहुत ज्यादा मिलती है. So let's just try. और ये भी एक्चुअली मैंने कभी ट्राई किया नहीं. I think मैंने ट्राई किया लेकिन नॉट दिस फ्लेवर. समथिंग वेरी ब्लैंडिश. लेट मी जस्ट ट्राई. बिकॉज़ शी इज अ चिप्स पर्सन. इसे चिप्स पसंद है और आई लव चिप्स. बट दुनिया भर की जो चॉकलेट्स होंगी वो मैंने यहाँ की ट्राई की हुई है बट चिप्स नहीं. व्हाट्स द फ्लेवर? बारबेक्यू. आई ट्राई इट. आई एम अ चिप्स पर्सन सो आई लव इट. लेट मी जस्ट ट्राई दिस राइट. चिप्स के बारे में एंड सेवरी आइटम्स के बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है जितनी इसे है. बट जितनी भी चॉकलेट्स हैं और स्वीट्स हैं यहाँ पे तो उसके बारे में मुझे काफी पता होगा. मैंने काफी कुछ ट्राई भी किया. लेट्स ट्राई दिस. Doritos is much better. It's very chatpata. Like not mirchi at all. You see red powder? It's not mirchi at all. I think it's like thoda bahut lace tomato flavor ka jo masala hota na. Main PhD in chips. I think little jo India mein peppy aata tha, school mein hum peppy khate the. Uska bhi thoda taste similar hai. And we will do a snack test of Ritz. The shape is exactly like Crack Jack. So let me show you. No. No? It is Ritz. Australian Monaco biscuit. Yeah. Crack Jack is square. Yeah. This he's right. Monaco. This is Australian Monaco biscuit. शेप और पूरा का पूरा जो इसका लुक है वो पूरा मोनाको ही है. आई थिंक जो सॉल्ट मोनाको पे होता है वो थोड़ा सॉल्ट कम है. आई डोंट नो.
It's very bland. People who love tasteless biscuits. Sorry, it's a little bland because ये oven baked है and इसपे जो Monaco पे India में जो salt होता है वो नहीं है. Actually crispy है Monaco से ज़्यादा, but good for people who like tasteless stuff. So I think the next thing we should try is just आप लोगों के लिए, आपको जानने के लिए. So lemon lime bitters, Australia की एक ऐसी drink है जो आपको पागल कर देगी. जैसे for me, India में मैं जब भी जाती थी, I used to have fresh lime soda sweet. If I want to have something aerated and something natural or something like that. Very lemony. यहाँ पे lemon lime bitters बहुत amazing mixture है. इसको आप ऐसे भी पी सकते हो, कुछ डाल के अपनी चीजें add on करके भी pre-mixed पी सकते हो. But this is something amazing. It comes with sugar and it comes with sugarless. So हम पी रहे हैं zero sugar वाली and it is super. देसी स्टाइल में ही पियेंगे जैसे हम इंडिया में पानी पीते हैं. I think it's amazing. I love it. I think you guys should try lemon lime bitters whenever you're traveling to Australia. No matter which state you go, Sydney, Melbourne, Brisbane, lemon lime bitters is something that all the ladies of all the age groups will love it. Girls, children, everybody will love it. You can make mojitos as well from this. It's fab. Like you will love it. Virgin mojitos. Yeah. In some way say, what do you think sabse best kya hai? To be very honest, the best thing for me, I'll choose three. No, you can choose three. Okay. Line. So let me just choose three. So on the number one, I'll put Doritos, Triangulars, garlic bread ones. It's for me number one. Number two, I'll take Tim Tams, chocolate ones. And number three, again, I would choose that sour strips, lolly. That's it. That's in my list. Rest everything, I'm already picking those. Then good. But not my choice. Maybe other people like it, but meri nahi hai. Aapki? So for me, number one would be Tim Tams. I think jo bhi maine yahan pe khaya, I think Tim Tam ne pura show steal kar liya. Secondly, I think shapes humne khaye. Barbecue flavor ke. I think that's number two. Yeah. Because ye aisa snack hai ki aap na chatpata hai aur itna mast hai khane ke liye ki aap ye kabhi bhi any time kha sakte hain. Raat ko Netflix dekhte ho ya kabhi bhi aap kha sakte hain. I think bahut maza aaya try karke aur it was fun experience. I've never done this before, you know, and I wanted to share this with you. And even Suraj for that matter. Please let us know अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और country का कुछ try करें आपके लिए और आपको experience बताएं with the taste, that'll be great. तो अगर आपको कहीं का भी कोई भी country की कोई आपको savory item हो या even for that matter कोई food हो जो आप चाहते हैं हम try करें तो please आप comment कीजिए. And आपको अगर आप चाहते हैं कि हम Australia में रह के यहाँ के Indian restaurants का भी अगर आपको review दें या Indian खाने का भी review दें तो आप please comment कीजिए. And that's it. Yeah, just let us know. And please shower your love to us and we would want your love and support. And rest, keep watching. Thank you.